अगले 5 दिन में गुजरात में, अगले 2 दिन में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का संभावना है। डे 3 यानी 26 तारीख 24 नवंबर को हो सकता है लाइट रेन एक्सट्रीम साउथ गुजरात में, जैसे वलसाड नवसारी डांग में होने का संभावना है। और 25 को आइसोलेटेड केसेस में भी बारिश होने का संभावना है। मोस्टली जो बारिश रहेगा साउथ गुजरात रीजन विन कोस्टल सौराष्ट्र में भी रह सकता है। और 26 के लिए स्कैटर्ड रेन हो सकता है फ्यू प्लेसेस में बारिश हो सकता है। और मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन होने का ज्यादा संभावना है साउथ गुजरात रीजन विन कोस्टल सौराष्ट्र लाइक पोरबंदर लाइक भावनगर अमरेली फिर बोटाद में भी हो सकता है। और लाइट टू मॉडरेट साउथ गुजरात में जैसे वलसाड नवसारी सूरत भरूच बड़ोड़ा आनंद में भी हो सकता है और सारी जगह में लाइट ट्रेन होने का संभावना है। मैम कारण क्या है? अभी जो मोस्टली जो ईस्टर्ली वेव है ईस्ट से लोअर लेवल में बे ऑफ बंगाल से हवा आ रहा है, मतलब विंड मॉइस्चर लेके आ रहा है। अपर लेवल में हमारा अरबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, उसका कंफ्लुएंस के कारण से बारिश होने का संभावना। अहमदाबाद में क्या मैडम? अहमदाबाद में भी क्लाउडी तो रहेगा, बारिश भी होने का संभावना है। लाइट रेन हो सकता है अहमदाबाद सिटी में, लेकिन साउथ ऑफ नवली में मॉडरेट रेन हो सकता है। टेम्परेचर? टेम्परेचर अगले 3-4 दिन के लिए मिनिमम डे टू नाइट टेम्परेचर मोस्टली 1.5 डिग्री एवं नॉर्मल रहने का संभावना है। जैसे अभी चल रहा है उससे 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा अगले 2-3 दिन में, 3-4 दिन का बाद 4-5 डिग्री टेम्परेचर फॉल होने का संभावना है। अभी सबसे कम 16 डिग्री है नलिया में है और गांधीनगर में है। अभी अगले 2-3 4 दिन में 1-8 डिग्री बढ़ सकता है, 2 डिग्री बढ़ सकता है, देन 4 दिन का बाद ड्रास्टिक फॉल रहेगा टेम्परेचर का, 4-5 डिग्री फॉल हो सकता है कहीं कहीं।